समस्त संसार को जीवन देने वाला जल जो है परमात्मा का भव नामक रूप है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र रूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबसे अवकाश देने वाला है। सर्वव्यापक और आकाशवत भी भीम नामक रूप कहा गया, वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान और पशु पास को काटने वाला है, उसे पशुपति नामक रूप समझना चाहिए। सूर्य नाम जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है, जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को अप्यायित करता है। महादेव शिव का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है, यानी चंद्रमा मय है। उन परमात्मा शिव का आठवां रूप आत्मा है, आठवां रूप भगवान शिव का आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए वो समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में मूल को सींचने से सारी शाखाएं पुष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही शंकर जी को भक्ति से सारी भक्तियां पुष्ट हो जाती हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीर को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया जा रहा है, इसमें संशय नहीं है। तो अष्टमूर्ति के सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभावेन स्थित परम कारण रूप शिव का सर्वभव से भजन कीजिए, क्योंकि वही सब जगह है। जगत में जगत के कण कणों में भगवान जगत के